अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 9.1। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसका पहला पार्ट ए पार्ट, तो यह है सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस दिस फ्रॉम दिस। तो आज का हम करते हैं इसको, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले। तो ज़ाहिर है ये इसमें से निकालना है, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो इसमें से पूरा का पूरा ये निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन एक ही टर्म नहीं निकालनी है, पूरी की पूरी निकालनी है। तो इसको ऐसे लिखे हम 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। तो अब ऐसे लिखें 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक टर्म को, तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 4a माइनस इंटू माइनस प्लस 7ab, तो ये माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 3b माइनस इंटू प्लस माइनस 12। तो अब तो आसान है, तो यहाँ तक तो हो गया। तो अब क्या करना है, तो लाइक टर्म्स को अलग रख दीजिए और अनलाइक जो है उनको अब लास्ट पे रख दीजिए। तो ए वाली देखते हैं पहले, यहाँ पे ए और यहाँ पे कहीं पे है, हाँ है, तो ये वाली और ये इसको अलग लिख दीजिए 12a। तो इसके साथ माइनस भी है, तो माइनस 4a हो गया इसका काम। अब देखते हैं माइनस 9ab, तो यहाँ पे भी प्लस 7ab है ये, और ये 5b, यहाँ पे b है, प्लस 5b माइनस 3b। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 3, ये भी आ गए माइनस 3 माइनस 12। तो अब 12 में से 4 निकालो, तो 8a यहाँ पे बच जाएगा 8a। तो इनका हो गया, इन दो का। अब देखते हैं 9 में से 7 निकाले, एक तो प्लस एक माइनस, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। 9ab से 7 ख़त्म, तो वहाँ पे माइनस 2 रह जाएंगे इस साइड में, माइनस 2ab। तो 5 में से 3 निकालो, तो माइनस 2b, सॉरी प्लस 2b, इसमें से रह जाएंगे प्लस 2b। माइनस 3 और माइनस 12 तो लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो माइनस 15 बन जाएगा। तो इसका आंसर है 8a माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। तो इसका आंसर है। तो इसी तरीके से जो इसमें दो तीन पार्ट्स हैं, इनको भी आप ट्राई कीजिए, तो इसी तरीके से कीजिए। तो होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel.